हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ एक आज नई सुबह की शुरुआत करते हैं। और यदि अभी तक आपने ठीक से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो भाई पढ़ लो यार, दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से पढ़ लो। मूल विधि की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी साहित्य की वीडियोस अपडेट करनी शुरू कर दी है, तो फटाफट चीज़ों को समझते रहो, पढ़ते रहो और अपनी एसआई बनने की यात्रा को फटाफट शुरू कर दो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम दो अध्यायों को एक साथ पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि अब तक हमने 11 अध्यायों को पढ़ लिया है, उनकी मुख्य मुख्य धाराओं को समझ लिया है। आज हम एक साथ दो अध्यायों को पढ़ेंगे, अध्याय 12 और अध्याय 13। इनमें से तीन तीन धाराएं हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है, पर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए पर पूछे जा सकते हैं। बहुत ब्रीफ, मतलब बहुत संक्षिप्त में इन चीजों को समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखो, पहले अध्याय 12 को देखते हैं। जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 में धारा 230 से लेके और 263 तक है। कितनी धाराएं हैं? 33 धाराएं हैं और उन 33 धाराओं में से आपको पढ़नी है केवल तीन। और किस, इस अध्याय का नाम क्या है? सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित अपराध। सिक्के, जो सिक्के होते हैं, जो हम यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, इनसे संबंधित अपराध, तथा स्टाम्प, जो मोहर होती है, ऐसा लगती है खट्टे से, इनसे संबंधित जो अपराध हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है कि सिक्के की परिभाषा कौन सी धारा में है, कौन से सेक्शन में सिक्के की परिभाषा है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 230 में, सेक्शन 230 में सिक्के की परिभाषा को दिया गया है। और सिक्का कहते किसको है? सिक्का कहते किसको है? कोई भी प्रचलित धातु, कोई भी मेटल होता है जो सरकार द्वारा बनाया गया होता है, सरकार एक लंबे अरसे से उस धातु का प्रयोग कर रही है सिक्के बनाने में, जैसे भारत सरकार यूज करती है। तो जिस जो मेटल होती है, जो भी एक आप देखते हैं सिल्वर कलर से की मेटल होती है, उस मेटल का एक लंबे अरसे से प्रयोग किया जा रहा है, तो वह प्रचलित धातु है। तो प्रचलित धातु और उस पर सरकार का स्टाम्प, सिक्का किसको कहते हैं? प्रचलित धातु और उस पे जब सरकार का स्टाम्प लग जाता है तो उसको सिक्का कहते हैं भाई। तो सिक्के की परिभाषा किसमें? धारा 230 में। और प्रचलित धातु और साथ में सरकार का स्टाम्प लगाओ तो उसका सिक्का कहते हैं। और धारा 230 में ही भारतीय सिक्के की परिभाषा भी है। जैसा आप सबको पता है कि सिक्का क्या कहते हैं? प्रचलित धातु और सरकार का स्टाम्प। भारतीय सिक्के में भी क्या हो जाएगा? जो प्रचलित धातु है वो हो जाएगी और सरकार के स्टाम्प किस जगह क्या आ जाएगा? भारत सरकार का स्टाम्प। तो भारतीय सिक्का क्या कहलाता है? प्रचलित धातु और भारतीय सरकार का स्टाम्प यदि लग जाएगा तो वह भारतीय सिक्का कहलाएगा। अब देखो, इसमें 5 कंडीशन है कि किसी को भ्रम ना हो जाए, क्या सिक्का नहीं है और क्या क्या सिक्का माना जाता है। तो जो कौड़ियां होती हैं, आपने पता होगा कौड़ियां देखी होंगी आपने, ऐसे ना कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं कौड़ियां होती हैं, एक तरफ से चिकनी सतह होती है और दूसरी तरफ से ऐसे आंख जैसी दिखाई देती है, तो कौड़ियां सिक्के नहीं है। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो कौड़ियां हैं वो सिक्के नहीं है। जो मेडल्स होते हैं, जो पदक होते हैं, जैसे गोल्ड मेडल हुआ, सिल्वर मेडल हुआ, ब्रॉन्ज मेडल हुआ, यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ये सिक्के नहीं है। कौड़ियां सिक्के नहीं है, मेडल सिक्के नहीं है, अस्टाम्पित धातु सिक्का नहीं है। आपने एक धातु लिया, उसको किस तरह काट दिया, बिल्कुल सिक्के की शक्ल में काट दिया और जाके आप चलाने लगो कि भाई ये सिक्का ले लो, तो सिक्का नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर स्टाम्प नहीं है, वो अस्टाम्पित है। और सिक्का किसको बोलते हैं? प्रचलित धातु और उस पर सरकार का स्टाम्प, उसको बोलते हैं। तो अस्टाम्पित धातु भी सिक्का नहीं है। अब देखो, आज के समय में आपने घरों में अपने देखा होगा कोई कोई सिक्का मिल जाता है, कंपनी के समय का सिक्का रहता है ना, बहुत पुराने समय का सिक्का रहता है, 1850 का होता है, 1751 का सिक्का होता है। तो कंपनी जिस समय भारत में राज करती थी, तो उस समय जो सिक्के थे और वो आज भी हैं, तो आज उन जो सिक्के का नाम है, जो कंपनी रुपया के नाम से चलता था सिक्का पहले, वो आज भी भारतीय सिक्के के अंतर्गत माना जाता है, गिना जाता है। तो कंपनी रुपया जो है वो भी भारतीय सिक्का है। और एक फर्रुखाबादी रुपया होता था पहले,
पहले प्रचलन में था वो पहले उपयोग होता था परंतु अब वो उपयोग में नहीं है, तो उसके लिए भी आईपीसी क्या कह रही है कि फर्रुखाबादी रुपया या फर्रुखाबादी सिक्का जो है वो भी भारतीय सिक्का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौड़ियां सिक्का नहीं है, मेडल सिक्का नहीं है, अस्टम्पित धातु सिक्का नहीं है, और जो कंपनी का रुपया था वो भारतीय सिक्का माना जाएगा, और जो फर्रुखाबादी सिक्का था जो पहले प्रचलन में था अब नहीं है वो भी भारतीय सिक्का माना जाएगा। तो ये सारी बात 230 धारा में बताई गई है। आई थिंक आपको बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर यार अच्छे से क्लियर हो रही है ना भाई, तो यार मैक्सिमम चैनल को शेयर करो, सब तक इस चीज़ का लाभ पहुँचना चाहिए, सब जो वास्तविकता में दरोगा बनना चाहते हैं उन तक इस चीज़ का लाभ पहुँचना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं भी आपको इतनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बस मैक्सिमम आप शेयर करिए, और ये इतना अच्छा कवरेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, यही मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में चाहिए कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करिए। उसके बाद 231 में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 231 कहती है सिक्के का कूटकरण। कूटकरण मैंने आपको बताया था काउंटरफीट। कूटकरण क्या होता है, कूटकरण का मतलब होता है नकली बनाना, उसकी डुप्लीकेट बना देना, है ना, कूटकरण का मतलब है नकली या उसका डुप्लीकेट बना देना। तो यदि कोई सिक्के का कूटकरण करता है, सिक्के बनाता है, जैसे जाली नोट, जैसे जाली करेंसी, तो कोई अगर सिक्के का, है ना, सिक्के का कूटकरण करता है यानी कि नकली सिक्का बनाता है और पकड़ा जाता है, तो उसका दंड होगा 7 वर्ष का कारावास, उसको 7 साल की जेल मिलेगी, ये बात आप तय मान के चलिए। और उसके बाद धारा 255 बोलती है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। सरकारी स्टाम्प किसी भी सरकारी विभाग की अगर कोई मोहर है, और खासकर राजस्व विभाग की है जहां पे रुपयों की लेन देन से संबंधित मामला है, अगर उस विभाग की कोई स्टाम्प है और उसकी कोई नकल करता है, उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, उसकी डुप्लीकेट मोहर बनाता है, स्टाम्प बनाता है और पकड़ा जाता है, नकली स्टाम्प बनाता है किसी सरकारी विभाग की, तो उसको दंड मिलेगा 10 वर्ष का कारावास। तो 230 में क्या है, सिक्के की परिभाषा, भारतीय सिक्के की परिभाषा, कोड़ियां सिक्का नहीं है, मेडल सिक्का नहीं है, स्टाम्पित धातु सिक्का नहीं है, कंपनी रुपया भारतीय सिक्का माना जाएगा, फर्रुखाबादी सिक्का भारतीय सिक्का माना जाएगा। यदि 231 के अंतर्गत सिक्के का कूटकरण होता है, नकली सिक्का बनाता है, तो उसको 7 वर्ष का दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा। और 255 के तहत यदि सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करता है, नकली स्टाम्प या नकली मोहर बनाता है, और खासकर राजस्व विभाग से संबंधित वो मामला है, तो 10 वर्ष तक का उस व्यक्ति को कारावास हो सकता है। ये अध्याय 12 की 3 अगर धाराएं आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अध्याय 13, अध्याय 13 में 4 धाराएं हैं, 264, 265, 266 और 267, यानी कि धारा 264 से लेके धारा 267 तक अध्याय 13 का जिक्र है। और किस चीज का जिक्र है, बांट और मापों से संबंधित अपराध। आप आए दिन देखते होंगे कि आपको कम तोल के दे दिया, तराजू में गड़बड़ कर दी, मशीन में गड़बड़ कर दी, बांटों में गड़बड़ कर दी। अगर कोई जैसे पेट्रोल पंप पे नापते हैं, उससे आप देखते हैं शंकुआकार एक मापक यंत्र होता है, उसमें नीचे गड्ढा करके रखते हैं, वो 5 लीटर का, एक्चुअली में उसमें 3 लीटर आ रहा है। तो इस संबंध में जितने भी अपराध हैं उनकी गणना अध्याय 13 में की गई है, और इसकी आपको 3 धाराओं को पढ़ना समझ जरूरी है, इसकी आपको 3 धाराओं को पढ़ना जरूरी है। इन अध्यायों के नाम आप याद करते चलिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बांट और मापों से संबंधित अपराध, तो सेक्शन 264 क्या कहता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग, यानी कि आप यदि कोई सामान बेच रहे हैं और उसको आप तोलना पड़ रहा है, और तोलते समय आपको पता है कि जिस उपकरण से आप तोल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो सकता है, या वो पहले जैसे चलते थे वो हाथ वाले कांटे हो सकते हैं, या क्या कर रखा है, क्या हो रहा है, वो एक बैलेंस होता है, आपने देखा होगा एक कांटा ऐसा होता है, एक तरफ प्लेन सा रहता है, दूसरी तरफ एक बर्तन रखा रहता है, तो उस तरह का कांटा है, और आप जानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, आप जानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, ये कम तोल के देगा, और फिर भी आप उसका उपयोग करते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि उसमें गड़बड़ है फिर भी उसका उपयोग करते हैं, तो यह कपट पूर्वक उपयोग माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति तोलने के लिए खोटे उपकरणों का, वो खोटे हो गए, उसमें गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, ज्यादा कम दिखा रहा है तो गड़बड़ है, जो हमारे हाथ से नापने वाला है उसमें गड़बड़ है,
और जो हमारा ऊपर नीचे होने वाला वो तराजू होता है उसमें भी गड़बड़ है और आपको पता है बात, और फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं, धोखा देने के लिए लोगों को कपटपूर्ण उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपराधी माने जाएंगे धारा 264 के अंतर्गत और आपको 1 वर्ष का कारावास होगा, आपको 1 साल की जेल मिलेगी। धारा ये जो अध्याय 13 है इसमें सभी के दंड है। आप एक बात याद रखना, बांट और मापो से संबंधित यदि अपराधों का दंड आ जाए तो 1 वर्ष है, क्योंकि सारी धाराओं में आप देखेंगे 1 वर्ष का कारावास की बात की गई है। तो सीधे सीधे बात है, धारा 264 में नकली तराजू का यदि इस्तेमाल करता है और जानता है कि गड़बड़ है ना, नकली तराजू का इस्तेमाल करता है या ऐसे तराजू का इस्तेमाल करता है जिसमें गड़बड़ है, तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा धारा 264 के अंतर्गत। उसके बाद धारा 265, यह तो बात हुई उपकरण की, यह तो बात हुई उपकरण की। अब बांट वाला है, वो जो बांट अब रखते हैं तराजू, अब खाली वो तराजू में गड़बड़ है और जानता है 264 जानता है तो 264 के अंतर्गत अपराधी है, और तराजू बिल्कुल फिट है कोई दिक्कत नहीं है, पर गड़बड़ कहां पे कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है वो बांटों में। बांट है 1 किलो का, दिख रहा है 1 किलो का पर है 500 ग्राम का ही, ठीक है 500 ग्राम वजन बना लिया, उसको नकली बना लिया उसने और लिख दिया उस पर 1 किलो, है 5 किलो का पर दिख रहा है 3 किलो, है ना, एक्चुअली में 3 किलो है और दिख रहा है उससे 5 किलो। तो खोटे बांट जो कम तोल रहे हैं या खोटी माप का कपट पूर्वक उपयोग करता है, जानते हुए कि बांट ज्यादा कम तो ज्यादा नहीं तोल रहा है, ठीक नहीं तोल रहा है, कम तोल रहा है ये जानते हुए, और जो उसके पास माप है, कोई भी माप है जिससे मापता है, कोई भी मापक यंत्र है कुछ भी है और उनमें गड़बड़ है और फिर भी उसका उपयोग कर रहा है, तो दोषी माना जाएगा किस चीज का, नकली बांट या माप का उपयोग करने का दोषी माना जाएगा और इसमें भी सजा मिलेगी 1 वर्ष का कारावास। तो 265 में है खोटे बांप, खोटे बांट या माप का कपट पूर्वक उपयोग करता है, गलत तरह से तोलता है तो वह व्यक्ति 1 वर्ष के कारावास का अपराधी माना जाएगा। अपराधी तो नहीं कह सकते, शब्दों की कई बार गड़बड़ हो जाती है, आप समझ सकते हैं ऐसा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद धारा 267, अब ये तो बात है उपकरण की, नकली तराजू की, ये बात है नकली बांट या माप की। अब ये बात है जो 267 में, कोई इन नकली बांटों को, इन नकली उपकरणों को बनाता तो होगा, कहीं ना कहीं तो बनते होंगे, घर में तो आदमी बना नहीं सकता है, घर में तो क्या होता है पत्थर वत्थर इकट्ठे कर लेता है, बोल देता है ऐसा वैसा हो रहा है, पर एक्चुअली में क्या है, यदि कोई व्यक्ति खोटे बांट या खोटी माप बनाता है, खोटे बांट या खोटी माप बनाता है या बेचता है, बनाता है बेचता है, सपोज करो एक आदमी बना भी रहा है, खोटे बांट खोटी माप बना भी रहा है और बेच भी रहा है, तो वह दोनों चीज का अपराधी होगा, है ना, दोनों चीज में अपराधी सिद्ध हो जाएगा और उसको सजा होगी 1 वर्ष का कारावास। 1 वर्ष का कारावास आपको याद रखना है, चाहे नकली तराजू का मामला हो, चाहे खोटे बांट माप का मामला हो, या खोटे बांट और माप को बनाने का मामला हो या उन्हें बेचने का मामला हो, तो भी 1 वर्ष का कारावास उस व्यक्ति को होगा। तो खोटे बांट या माप बनाता है या बेचता है तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास होगा, चाहे तो एक व्यक्ति दोनों काम करे तो भी 1 वर्ष का होगा, या कोई एक तो बनाता है तो वो भी 1 वर्ष का अपराधी, 1 वर्ष से दंडित किया जाएगा, और दूसरा कोई व्यक्ति उनको जाके बेच रहा है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको 3 धाराएं पढ़नी थी, इधर आपको 3 धाराएं पढ़नी थी, हम बहुत जल्दी जल्दी सब चीजों को कवर कर लेंगे, आपके पास पर्याप्त समय है, आप एक काम करते रहिए, आप इन वीडियोज को पढ़ते रहिए और पीछे का रिविजन बिल्कुल मत छोड़िए और मैक्सिमम शेयर करिए, साथ में हिंदी साहित्य को भी आप जरूर देखिए क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके हिंदी के पेपर में इस बार चांसेस हैं कि हिंदी साहित्य से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।